हेलो एवरीवन। सो कोरल ड्रॉ 22 वर्जन में आज हम लोग करने वाले शेपिंग। शेपिंग्स के लिए ज्यादा नहीं, एक सिंपल सा स्क्वायर बना दिया और एक मैं सिंपल सा कर्व बना देता हूँ एंड एरो टूल ले लिया। अगेन यहाँ पे सर्कल पे क्लिक, यहाँ पे रेड कलर, यहाँ पे सॉरी स्क्वायर में रेड कलर डाल दिया, सर्कल में येलो कलर। अब आप जब दो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे रखते हो ऐसे और शिफ्ट बटन दबा के दोनों को सिलेक्ट कर देते हो, तो ये देखो यहाँ पे भी वेल्डिंग करके एक ऑप्शन आ रहा है, वेल्ड करना। अपने घर में जाली होती है तो जाली को पर्सन जब वो वेल्डिंग करता है दो जाली को तो मर्ज हो जाती है, जाली वन पीस हो जाती है। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा, जब ऑब्जेक्ट में जाएंगे हम शेपिंग्स में जाते हैं और वेल्ड पे क्लिक करते हैं, मतलब आपके पास दो ऑप्शन है, आप इधर से क्लिक करो या इधर से क्लिक करो, दोनों का मीनिंग सेम है। तो वेल्ड पे क्लिक किया एग्जाम्पल, देखो दोनों ज्वाइंट हो गया, एक शेप बन गया है। अंडू करता हूँ वापस से, ये दोनों शेप सिलेक्टेड है। वेल्ड के बाजू में इंट्रिम करके ऑप्शन है, ट्रिम मतलब एक जब आप क्लिक करते हो ट्रिम पे तो वो दोनों ऑप्शन में से जो पीछे वाला ऑप्शन होगा ना उसका पीछे का हिस्सा पूरा कट हो जाता है, तो आप इसको भी कहीं और यूज कर सकते हो इस तरीके से। ट्रिम का मतलब ही होता है काटना, तो वो यहाँ पे भी वही कर रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है इंटरसेक्ट करके, इंटरसेक्ट पे क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पे, और जब येलो वाले सर्कल को दूर करता हूँ तो ये जो जितना पार्ट वो दोनों शेप के बीच में था उसे एक तीसरा शेप बन के आ गया, तो इंटरसेक्ट हो गया। अगेन इंटरसेक्ट के बाद नेक्स्ट है यहाँ पे सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई पे क्लिक करोगे तो आप इसको देख सकते हो अगेन ट्रिम हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे फ्रंट माइनस बैक, तो ये क्लिक किया फ्रंट माइनस बैक रिवर्स हो गया। दूसरा एक है बैक माइनस फ्रंट, अगेन ये क्लिक किया तो ये रिवर्स हो गया। सो दैट्स इट। एंड एक लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे क्रिएट अ बॉर्डर, क्रिएट बॉर्डर पे तो पूरे शेप की एक दूसरी ही बॉर्डर बन के आ जाएगी जिसमें वन पीस अगेन आप कर सकते हो, ये वेल्डिंग जैसा ही कुछ हो गया। और एक लास्ट ऑप्शन है कंबाइन, अब ये पूरा सिलेक्ट करता हूँ, ऑब्जेक्ट्स में जाता हूँ और कंबाइन ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, वहां पे भी है यहाँ पे भी, कंबाइन पे क्लिक किया तो ये देखो ये दोनों कंबाइन हो गया, बाहर वाला शेप था उतना रह गया और अंदर वाले शेप को ब्लैंक कर दिया। तो अंदर वाले शेप को आप कम ज्यादा करना चाहते हो तो यहाँ से ऐसे शेप को पकड़ के कम ज्यादा कर सकते हो। सो दिस इज कॉल्ड कंबाइन। सो ये शेपिंग का ऑप्शंस था, कैसा लगा मुझे जरूर बताइए।